उपनिषद कथा है कि देवताओं के राजा इंद्र और दानवों के राजा विरोचन ने आपस में आत्मज्ञान प्राप्त करने की बातचीत की। दोनों मिलकर ब्रह्मा के पास गए, उनसे आत्मज्ञान देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने उन दोनों को कहा कि 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर मेरे पास आओ, तब बताऊंगा। दोनों 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारे पास पहनने के जितने वस्त्राभूषण हैं पहन कर आओ और जल में अपने अपने रूप को देखो। जल में उन दोनों ने अपने अपने रूप को देखा। ब्रह्मा ने कहा कि पानी में जो रूप देखते हो वही ब्रह्म है। बहस करने का साहस नहीं हुआ, जो कहा गया उस सुन लिया। उन्हें कुछ कहने की युक्ति भी नहीं आई, दोनों चले गए। विरोचन दानव था, उसने समझा शरीर ही आत्मा है, खूब खाओ पियो और इसी के विलास में रहो। चाह कि पितामह ने इस शरीर की छाया को आत्मा बताया, यदि शरीर में हाथ टूट जाए तो छाया में भी हाथ टूटा हुआ मालूम होगा। रूप ऐसा बनाएंगे वैसी छाया देखने में आएगी, तो ब्रह्म या आत्मा के भी कई रूप हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वे फिर लौट कर ब्रह्मा के पास गए और बोले कि मुझे संदेह है। अपना संदेह प्रकट करने पर ब्रह्मा ने उन्हें 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने का। दूसरे 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद इंद्र पुनः ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि आंख में सबका चित्र देखा जाता है, वही आत्मा या ब्रह्म है। फिर इंद्र ने विचारा दी, आंख फूट जाए तो उसमें कुछ नहीं दिख पड़ेगा, फिर तो वही बात उसमें कुछ हुई। यह सोचकर इंद्र फिर ब्रह्मा के पास लौटे और उन्होंने फिर अपना संदेह प्रकट किया। पुनः ब्रह्मा ने कहा 30 वर्ष तक फिर ब्रह्मचर्य पालन करके आओ। इंद्र 30 वर्ष के बाद ब्रह्मा के पास उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारे शरीर की जो छाया है वही आत्मा। फिर इंद्र को संदेह हुआ तो अब पुनः लौटा और ब्रह्मा से अपना संदेह प्रकट किया। ब्रह्मा ने पुनः 5 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करने का। 5 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन कर इंद्र ब्रह्मा के पास गए। तब ब्रह्मा ने कहा आत्मा शरीर नहीं है, शरीर में जो रहता है वही आत्मा है। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया किया, शरीर के सुखों में लिप्त होना दानवी स्वभाव है। जो शरीर सुखों के भोग में नहीं फंसता, दुखों को सहता है, वह दैविक स्वभाव का है। आप लोगों को क्या चाहिए? दानवी बुद्धि की प्रशंसा नहीं, दानवी बुद्धि की प्रशंसा नहीं की जाती। सबों को दैविक बुद्धि चाहिए। उपर्युक्त कथा से सब लोगों को जानना चाहिए कि आत्म तत्व क्या है। केनोपनिषद खंड 1 में है कि इयन मनुषान मनुते येना हुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थात मन से जो नहीं जाना जाता और जो आपके पास में है, यानी जिसका ज्ञान इंद्रियों से होता है, वह ब्रह्म नहीं है। साधारणतः हम इंद्रियों से जिसे नहीं जानते उसके लिए कहते हैं कि वह नहीं है। जैसे वायु में अनेक पदार्थ मिले किंतु इस आँख से नहीं देख सकते, यंत्र से देख सकते। घर में खिड़की या छिद्र होकर सूरज की रोशनी आती है तो उसमें बहुत टुकड़े टुकड़े देखने में आते हैं।
किंतु युक्ति और यंत्र से नहीं देखने पर केवल हवा है ऐसा कहते हैं, उसमें और क्या है नहीं जानते। कैसा भी सुंदर और पवित्र शरीर क्यों ना हो जिसको हम प्रणाम करते हैं, किंतु यह शरीर परमात्मा या ब्रह्म नहीं है। चाहे वह शरीर इष्ट या गुरु आदि का ही क्यों ना हो, कोई भी इंद्रिय गोचर पदार्थ ब्रह्म नहीं हो सकता। इस तरह से आपका यह शरीर इंद्रिय गोचर है, अतएव यह ब्रह्म नहीं है। कोई भी शरीर पवित्र पवित्र सुंदर असुंदर जिस शरीर से अद्भुत कार्य ही क्यों ना होता हो, चमकीला हो दिव्य हो नहीं है, वह परमात्मा की माया है। इंद्रिय गोचर पदार्थ निर्माया ईश्वर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा, गो गोचर जल मन जाई सो सब माया जानो भाई रामचरितमानस। इस कसौटी पर कसिए तो जो मन से या इंद्रिय से जानते हैं माया है, जो बदलता जाए एक तरह नहीं रहे वह माया है, जो किसी प्रकार के भ्रमवश मालूम हो परंतु यथार्थतः वह वैसा नहीं हो वह माया है। जैसे धुंधली रोशनी